तीन चार महीने बाद एंट्री हो रही विवान, तो क्या कुछ कहोगे? ये तो फैमिली है मेरी, तो मैं वापस फैमिली के पास आया हूँ, बस यही कहूँगा। और बहुत अच्छा सीक्वेंस लिख के आया है, 1000 एपिसोड जैसे कि पूरे हो चुके हैं, तो वैसे तो सब बहुत खुश हैं, बट ऑन स्क्रीन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मुझे देख के। ऑफ कोर्स क्या तो सॉफ्ट फेस के साथ ही आए हैं, लेकिन मैं डर गई नहीं, पर तुम्हें होना भी नहीं था। इन्होंने सही किया अपने साइड से, लेकिन ऑफ कोर्स जिन्हें खुद मारा हो वो वापस आ जाए तो घर, मतलब मैं वैसे ही पूरे महासंघ में आत्माओं को देखकर आ रही हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि ये आत्माएं सिर्फ नाटक वाली है, मतलब सबने मास्क पहन रखे, पर यहाँ पर मास्क कोई और उतार रहा है विवान का, और फिर भी वो मेरे सामने खड़े हैं, तो ये तो बहुत डरावना सिचुएशन है ही। एंड आई एम रियली हैप्पी कि पारस के साथ बहुत टाइम बाद सीन कर रही हूँ, बट विच इज़ अ वेरी वेल रिटर्न सीन, तो मैं बहुत खुश हूँ। सो विवान, आगे और कुछ रोल देखने मिलेगा या बस इतना ही सीक्वेंस? अभी तो इतना ही है, आगे होगा तो वो भी पता लग जाएगा, तो उसके लिए आपको देखना होगा उड़ान रात को 8:30 मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स। थैंक यू। सो कहीं ना कहीं इस बीच एक ट्रुथ रिवील हुआ है कि आपने और रणविजय ने मिलकर इसे ट्रुथ रिवील ऑडियंस को हो चुका था, ये ट्रुथ रिवील चकोर और सूरज के सामने हो रहा है कि मैंने इन्हें मारा है। सो या वही वो लोग फिर और जोश के साथ कहते कि अब तो इमली को अपनी गलती की हर सजा मिलेगी। क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स? अरे इतना बड़ा ट्विस्ट टर्न्स यार, पूरा महासंगम ट्विस्ट और सूरज की तरफ से, यही तो हजम करने दो हमें, मैं खुद हम बाकी वही मैंने बोला ना कि बाकी के लिए देखना पड़ेगा। हाँ। अभी इतना बता दिया, उसके बाद रिएक्शन क्या आएंगे उन दोनों के, उसके लिए देखना ही पड़ेगा। थैंक यू।